हम बनाने जा रहे हैं सफेद पेठे का हलवा। उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। पेठा हमने 1.25 किलो लिया है, देसी घी 2 टेबलस्पून, दूध 250 ml, मलाई फ्रेश क्रीम है ये जिसको हमने फेंट लिया 5 टेबलस्पून, चीनी 100 ग्राम, काजू 8-10 दाने जिनको हमने छोटे टुकड़े में काट लिया है, छोटी इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। तो हम सबसे पहले पेठे को ग्रेट करेंगे। पेठे को ग्रेट करने से पहले इसका पहले ये ग्रीन वाला सारा हिस्सा हम पील करेंगे और फिर ये बीच में बीज और पल्प है उसको निकालेंगे और फिर इसको ग्रेट करेंगे। अब इसे ऐसे टुकड़े काट लेने हैं ताकि अंदर से ये बीज और जो थोड़ा पल्प है वो इजीली निकल सके। पेठे का हमने छिलका और सारे बीज निकाल दिए हैं और ये 500 ग्राम है। अब इसको हम ग्रेट करेंगे। पेठा हमने सारा ग्रेट कर लिया है, इसमें पानी बहुत होता है, इसका एक्स्ट्रा पानी हम स्क्वीज कर लेंगे। पेठे को पूरा स्क्वीज नहीं करना, थोड़ा पानी उसमें रहने देना है। स्क्वीज करने के बाद ये जो पानी बचा है ये पेठे का जूस है जो कि बहुत फायदेमंद है। हमने इस जूस की एक वीडियो बनाई है, उसके क्या फायदे हैं आप ऊपर वीडियो लिंक देख सकते हैं। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। गैस जलाएंगे, गैस को मीडियम पे रखेंगे, पेठा डालेंगे और चीनी डालेंगे और लगातार स्टर करते रहेंगे जब तक चीनी का पानी सूख नहीं जाता। चीनी हम पहले इसलिए डाल रहे हैं कि पेठे के लच्छे बने रहें। लगातार इसको स्टर करते रहना। चीनी का काफी पानी निकल आया है, ये तकरीबन सूख जाए तो फिर इसमें हम दूध डालेंगे। चीनी का पानी काफी कम रह गया है, अब इसमें हम दूध डालेंगे, काजू डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अभी पकने देंगे और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। दूध काफी हद तक सूख चुका है, अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। जब ये पूरा लिक्विड अच्छे से सूख जाएगा तो इसको घी डाल के भूनेंगे और हमारा पेठा भी गल जाएगा। इसको लगातार स्टर करते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। हलवा हमारा गाढ़ा हो गया, दूध और मलाई तकरीबन सूख गए हैं, अब हम इसमें घी डाल के इसको भूनेंगे। अब लगातार इसको स्टर करते रहना है 2-3 मिनट के लिए। गैस को मीडियम पे ही रखना है। हलवे ने सारा घी सोख लिया है, जब ये घी छोड़ेगा तो हम गैस बंद कर देंगे। हलवे ने घी छोड़ दिया है और हमारा हलवा पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब गैस करेंगे बंद और इसको बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। हमारा पेठे का हलवा तैयार हो गया। तो ये रही हमारी आज की डिश, सफ़ेद पेठे का हलवा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।